for stopping by to watch another video of mine. I'm Meghavi and I hope you are staying safe and healthy. तो आज मैं आई हुई हूँ कॉफी क्लब और यहाँ पे ना काफी सारे वैरायटी के कॉफी मिलते हैं एंड आई एम टू एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस अमेजिंग प्लेस. तो वीडियो के साथ बने रहिए एंड लेट्स सी व्हाट दिस प्लेस हैज टू ऑफर टू अस. सो विदाउट फर्दर एडिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो. बट वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब. तो चलिए शुरू करते हैं. Guys, Ranchi Coffee Club is situated in Bahu Bazaar and it's in Ajit Bhavan. जैसे आप पेट्रोल पंप से आगे बढ़ोगे ना, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा है Ranchi Coffee Club and here we go. तो ये क्लब जो है वो ग्राउंड फ्लोर में सिचुएटेड है. एंटर करते के साथ यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड प्लांट जो कि इस जगह के ऑरा को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बना देता है. एंड दैट्स द व्यू इनसाइड. आई एम रियली एडोरिंग एंड लविंग दिस डूडल आर्ट. सिंस मेनी ऑफ अस गेट कंफ्यूज्ड विद द टाइप ऑफ कॉफी, तो यहाँ इस वॉल पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉफी. Overall, it's a lively place with a seating capacity of 30 to 40 people. And here we have newspaper too. तो सुबह beverages के साथ newspaper पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है. और इस corner में we have books and novels too. So if you are someone जिसे reading पसंद है, तो आप coffee के साथ यहाँ chill mode में books open करके read कर सकते हो. And here we have dartboard. By the way, आप यहाँ से work from cafe भी कर सकते हो. जगह जगह power socket दी गई है तो laptop को बिंदास charge करके अपना काम कर सकते हो. And in this corner we have handmade chocolates, cakes, gift hampers and cookies. And then this is banana chips. By the way, Ranchi Coffee Club का timing है सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. Now have a look on their menu. So basically it's a cafe which offers you signature coffee blend along with tea, sandwiches, pizzas, french fries, burgers and lot more. In fact yahan par combos bhi milta hai. And they are serving the finest and authentic coffee in our city. It's their coffee machine, also they are using the finest coffee beans. They are operating with the concept of live kitchen, so hygiene ka bhi khyal rakha jata hai. तो अभी रेडी हो रहे हमारा मार्बल मोका कॉफी जो कि यहाँ के सिग्नेचर कॉफी में आता है. नाउ एंजॉय द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट. And now he is pouring creamy milk foam जिससे कि ये latte art बनाएंगे. Now he is giving shape to this coffee with the help of chocolate syrup. Watching this latte art is so satisfying and now with the help of a stick he gave this coffee a perfect shape and art. And now it's ready. So this is marble mocha जो कि दिखने में काफी ज्यादा attractive है और इसका जो art है ना बिल्कुल भी खराब करने का मन नहीं कर रहा है. बट sugar डालना होगा तो खराब हो ही जाना है. Now let's mix this.
काफी बढ़िया है, कॉफी का ब्लेंड बहुत अच्छा है और इसमें ना चॉकलेट और कैरमल का भी टेस्ट आ रहा है, इट्स वेरी फ्लेवरफुल और काफी ज्यादा फ्रोथी भी है ये। Now this was one of the finest coffee I have ever tried in Ranchi. Ranchi में मुझे अब तक ना सिर्फ दो जगह की कॉफी पसंद आए हैं, एक तो ये और एक है कैफे ओलीज का। And I would highly recommend you to try their signature coffee. Its ultimate and rating is definitely 10 on 10. मतलब एक बार पीने के बाद ना आप addictive हो सकते हो। It's a must try. और मैंने small size लिया था जिसका cost है 120 rupees और large का cost पड़ेगा 150 rupees. नेक्स्ट प्रिपेयर हो रहा है वर्जिन मोहितो, तो सबसे पहले ही इज चॉपिंग ऑफ द लेमन। और अब इस लेमन को इन्होंने ग्लास में डाला। Next he is adding Sprite और अब इस ग्लास में ही इज पोरिंग मोहितो मिंट। एंड अगेन ही इज पुटिंग स्प्राइट एंड स्टिरिंग इट वेल। गार्निशिंग के लिए ही एडेड अ स्लाइस ऑफ लेमन ओवर द टॉप ऑफ द ग्लास एंड नाउ इट्स रेडी। तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले पनीर टिक्का सैंडविच। बड़ा मजेदार है, पनीर के चंक्स आ रहे हैं, देन वी हैव अनियन एंड कैप्सिकम और इट हैज अ स्मोकी फ्लेवर, बहुत मजेदार है। एंड नाउ लेट्स ट्राई वर्जिन मोहितो। Talking about this virgin mojito, तो it was perfectly perfect. The blend of mint leaves, mint syrup, lemon and sprite was absolutely perfect और काफी अच्छे से इन्होंने balance out किया था। मिठास भी बिल्कुल सही लगी। वैसे इसमें अगर आपको flavor डलवाना है तो उसका additional cost लगेगा, that is 10 rupees. और flavors में we have vanilla, hazelnut, toffee nut and then we have cinnamon, almond, French vanilla, honey and iris cream. वैसे इसको मैं रेट करना चाहूंगी 9 out of 10 एंड इट्स कॉस्ट इज 105 रुपीज। नेक्स्ट वी हैव दिस पनीर टिक्का सैंडविच विच वॉज प्रॉपरली ग्रिल्ड। पनीर भी काफी फ्रेश था और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। स्पाइसेस जो इन्होंने यूज करा था काफी अच्छा टेस्ट आ रहा था एंड इट वॉज काइंड ऑफ स्मोकी। फिलिंग भी काफी अच्छे से करी थी इन्होंने एंड इट्स सफिशियंट फॉर 1 पर्सन, इट्स कॉस्ट इज 90 रुपीज। वैसे आप यहाँ का चिकन टिक्का सैंडविच भी ट्राई कर सकते हो और अगर इसे रेटिंग देनी होगी तो मैं इसे दूंगी 8.5 out of 10। लास्टली प्रिपेयर हो रहा है वॉफल, तो एंजॉय करिए इसे बनाने का प्रोसेस।
If I talk about the taste, तो it was loaded with a lot of chocolate. In fact, choco chips और dark chocolate का भी taste आ रहा था. Waffle was kind of soft and crunchy at the same time. Since गर्म था, तो थोड़ा crunchy भी लग रहा था. And I loved every single bite of it. I would rate it 9 out of 10. वैसे, I would highly recommend you to try their signature coffee and virgin mojito. It's really awesome. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू व्हाटएवर यू लव.